करनाल विच किसानां दे संघर्ष ते बोले सुखबीर सिंह बादल। हरियाणा दे मुख मंत्री नूं किसानां दीआं मंगां मन्नण दी अपील कीती है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि गैर संविधानक हुक्म देण वाले अफसर खिलाफ कार्रवाई कीती जावे। गुरनाम सिंह चडूनी ने फोन ते मेरे नाल संपर्क कर लंगर मुहैया करवाउण दी गल कही सी। इस गल दा वी सुखबीर सिंह बादल ने जिक्र कीता है। SGPC नूं किसानां लई फौरन लंगर दा प्रबंध करन नूं कहा है। तां दस दईए कि जिस तरह दे नाल शुरू तों ही श्रोमणी अकाली दल किसानां दे हक विच खड़ी है, किसानां दी हमायत कीती जा रही है। पार्टी वल्लों इस नूं लैके हुण सुखबीर सिंह बादल दा इक बयान सामने आया है, क्योंकि करनाल विच किसानां ने पक्का मोर्चा ला लिया है। करनाल विच किसानां दे संघर्ष ते सुखबीर सिंह बादल दा प्रतिक्रम सामने आया, बयान सामने आया है। हरियाणा दे मुख मंत्री नूं किसानां दीआं मंगां मन्नण दी सुखबीर सिंह बादल ने अपील कीती है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि गैर संविधानक हुक्म देण वाले अफसर खिलाफ कार्रवाई कीती जावे। गुरनाम सिंह चडूनी ने मेरे नाल फोन ते संपर्क कर लंगर मुहैया करवाउण दी गल कही सी। ए वी कहा सुखबीर सिंह बादल ने SGPC नूं किसानां लई फौरन लंगर दा प्रबंध करन नूं कहा। हरियाणा के विच जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बेनती करना चाहना कि जो किसानों की मंग है वो पूरी करनी चाहिए। जिस अफसर ने ऐसे हुक्म दिते है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं दूजी गल भी कहना चाहना कि कल रात मैनू हरियाणा के जो संयुक्त मोर्चे के लीडर है गुरनाम सिंह चरूनी जी, उन्होंने मैं रात फोन आया सी कि उत्थे संगत बहुत है तो लंगर की सेवा का उत्थे इंतजाम हो जाए। तो मैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी ते धामी साहब इत्थे बैठे है, दोनों की मैं ड्यूटी लाई है कि जल्दी तो जल्दी पानी ते लंगर का प्रबंध करनाल जिथे संघर्ष चल रहा उत्थे इंतजाम किया जाए। सो उन्होंने मैं कहा, उन्होंने हूँ ही मैंने दसिया, बीबी जी ने फोन आया, धामी जी ने दसिया कि वह अज ही उत्थे इंतजाम कर देंगे जिहड़े किसान भरा संघर्ष।